हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा लेक्चर का, दैट इज़ थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेज़र ऑसिलेशन। ठीक है ना? तो थ्रेशोल्ड कंडीशन पढ़ने से पहले बच्चे हम थोड़ा सा बेसिक अपना कवर करके चलेंगे, दैट इज़ रेजोनेंस कैविटी। ठीक है? तो हमें जो है रेजोनेंस कैविटी की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, तो ये थोड़ा सा हम डिस्कस करके चलेंगे। उसके बाद हम अपना मेन जो टॉपिक है, जो थ्रेशोल्ड कंडीशन है, वो हम कैलकुलेट करेंगे इसके आगे। तो अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है हमें एक्टिव मीडियम, लेज़र पंप, ये सब हम अच्छे तरह से अब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है? तो किसी भी तरह का अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है, तो वो अपना जाके अपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे तरह से, लेज़र के जहाँ से हमने शुरू किए थे, वो जाके वहाँ से देख सकता है। तो अब हम अपना शुरू करते हैं रेजोनेंस कैविटी। अब देखो बच्चे, होता क्या है कि हमारे पास क्या है, रेजोनेंस कैविटी बनती कैसे है। तो हमारे पास जो एक्टिव मीडियम होता है, दैट इज़ प्लेस बिटवीन द टू मिरर्स। ठीक है ना? वन जो फर्स्ट मिरर है, दैट इज़ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, एंड द सेकेंड मिरर इज़ 98% रिफ्लेक्टिंग, और यू कैन से दैट कि पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर। ठीक है? तो हमारा जो एक्टिव मीडियम होता है, इट कैन बी गैस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो हम जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं, इट डिपेंड्स कि हम कौन सी लेज़र एक्शन हम करवा रहे हैं। ठीक है ना? तो एक्टिव मीडियम जो है हमारा कुछ भी हो सकता है। तो जो एक्टिव मीडियम में अगर हम गैस कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये जो मिरर्स हैं, दैट इज़ योर फर्स्ट मिरर इज़ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर, एंड द सेकेंड मिरर जो है वो आपका क्या होता है, विच इज 98% रिफ्लेक्टिंग होता है, कि मतलब जो भी फोटोन्स आएंगे वो इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होंगे, और कुछ 2% ही आपको हमें क्या मिलेगी, लेज़र आउटपुट हमें मिलेगी। तो ये हम अच्छे तरह से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है? तो ये जो हमारे पास होता है, ये क्या कहलाता है आपका, ये जो पूरा ये जो पोर्शन है आपका, क्या कहलाता है बच्चे, रेजोनेंस कैविटी कहलाता है। ठीक है? तो ये जो पेयर ऑफ मिरर्स हैं, ये क्या बनाते हैं बच्चे, रेजोनेंस कैविटी बनाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या है, अब देखो रेजोनेंस कैविटी हमें समझ में आया। अब देखो बच्चे, अब एक्चुअली में प्रोसेस में क्या होता है, अब यहाँ पे कोई हम यहाँ पे कोई भी एक्टिव मीडियम के अंदर जो है, हम कोई भी रेडिएशन हम इंसिडेंट नहीं करवा रहे हैं, तो इसके अंदर ही अपने आप ही क्या हो जाता है बच्चे, स्टिमुलेटेड एमिशन होना शुरू हो जाता है। और वो कैसे होता है बच्चे, मैंने आपको बताया था जो एक्टिव मीडियम है, मान लो उसमें जो एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में है, और इधर से एटम जो है जो एक्साइटेड स्टेट में है, पर हम क्या पंप के थ्रू हम क्या करके चलते हैं कि अपर स्टेट को हम जो है हाईली पॉपुलेट कर देते हैं एज़ कम्पेरिजन टू योर लोअर स्टेट। तो अपर स्टेट हमारी क्या हो जाती है, हाईली पॉपुलेटेड हो जाती है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जो अपर स्टेट में क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं एज़ कम्पेरिजन टू योर लोअर स्टेट। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो एटम्स हैं जो अपर स्टेट में हैं, वो क्या करते हैं, उसमें से कुछ एटम्स जो हैं अपने आप ही अपनी एनर्जी लूज करके, यानी कि अनस्टेबल होकर अपने आप ही क्या कर जाते हैं बच्चे, अपर स्टेट से लोअर स्टेट में आ जाते हैं, और क्या करते हैं, फोटोन्स एमिट करते हैं। ठीक है? तो फोटोन्स एमिट करते हैं। अब ये जो फोटोन्स हैं, ये फर्दर क्या करते हैं, जो हायर स्टेट में एटम प्रेजेंट है उनको ट्रिगर करते हैं, और उनको क्या करते हैं बच्चे, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अपनी हायर स्टेट को छोड़ के कहाँ आ जाए, लोअर स्टेट में आ जाए। तो ये जो पहले जो अपने आप ही एटम जो है हाई स्टेट से लोअर आ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चे, स्पॉन्टेनियस अमीशन। ठीक है? और ये जो स्पॉन्टेनियसली अमिटेड जो फोटोन्स हैं, ये क्या करेंगे, हाई स्टेट के एटम्स को ट्रिगर करेंगे, उनको स्टिमुलेट करेंगे, ताकि वो क्या करें, हाई स्टेट को छोड़ के लोअर स्टेट में जंप कर जाएं। तो ये जो आपका क्या कहलाएगा बच्चे, दिस, और क्या करेंगे बच्चे, ये दो फोटोन्स एमिट करेंगे, एक जो उसने ऑब्जर्व किया, और एक जब E2 - E1 में आएंगे तो फोटोन जो एमिट करेंगे, तो दो फोटोन्स एमिट करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा बच्चे, आपका स्टिमुलेटेड अमीशन। ये फोटोन्स फर्दर क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट को ट्रिगर करेंगे, ताकि वो अपनी एक्साइटेड स्टेट छोड़ के कहाँ आ जाए बच्चे, लोअर स्टेट में आ जाए, और फर्दर जो है इस तरह से फोटोन्स का क्या होता जाएगा, एम्पलीफिकेशन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि फोटोन्स का नंबर जो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो कोहरेंट, जो आप कह सकते हो, हम यहाँ पे कोई कोहरेंट हम सोर्स नहीं ले रहे, या फिर कोई हम कोहरेंट बीम ऑफ लाइट हम नहीं ले रहे। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो इसका काम जो है वो कौन सी काम कर रहा है, जो ये स्टिमुलेटेड एमिशन का काम जो है, क्या कौन सा काम, जो स्टिमुलेटेड एमिशन का जो काम है वो कौन परफॉर्म कर रहा है बच्चे, स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन्स काम कर रहे हैं उसका रोल। ठीक है ना? तो कोहरेंट बीम का जो काम है वो क्या, कोहरेंट बीम अगर हम इंसिडेंट करवाते तब भी क्या हो जाता बच्चे, हायर स्टेट से एटम कहाँ आ जाते, लोअर स्टेट में आ जाते, और स्टिमुलेटेड एमिशन होना शुरू हो जाता। पर यहाँ पे जो है लेज़र के अंदर जो है स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन्स जो हैं वो किसका काम करते हैं, आपके कोहरेंट बीम ऑफ लाइट का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन्स क्या करते हैं बच्चे, हायर स्टेट को ट्रिगर करते हैं, ताकि वो क्या हो सके, लोअर स्टेट में आ जाए। अब जब स्टिमुलेटेड एमिटेड फोटोन्स जो निकलते हैं बच्चे, ये फोटोन्स जो हैं इस मिरर के अंदर बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, यानी कि जो फोटोन्स निकलेंगे वो क्या करेंगे बच्चे, इस मिरर से टकराएंगे, फिर वापस
इस मिरर में दोबारा से टकराएंगे तो रिफ्लेक्ट बैक होके, इस तरह से बैक एंड फोर्थ जो है वो क्या करते हैं, इस मिरर, ये जो हमारी मिरर्स हैं इनके अंदर जो है मैक्सिमम राउंड्स वो क्लियर मतलब ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम्स जो है वो क्या करते हैं बच्चे, बैक एंड फोर्थ जो है रीजन वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और इस जब वो इस तरह से, जैसे ये फोटोन्स जो थे, मान लो दो दो या चार फोटोन्स जो हमारे निकले वो इस मिरर से टकराए, ठीक है। जब इसमें से टकराएंगे तो वो रिफ्लेक्ट बैक होंगे, रिफ्लेक्ट बैक होंगे बच्चे, ये फोटोन्स क्या करेंगे, फर्दर स्टिमुलेटेड एमिशन करवाएंगे और फर्दर फोटोन्स एमिट करेंगे, और वो फर्दर फोटोन्स क्या करेंगे बच्चे, इस मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होंगे, फिर ये दोबारा से इसके अंदर जाएंगे, एक्टिव मीडियम के अंदर जाएंगे। इस तरह से जो है हमें क्या मिल जाएगा, एक अच्छा खासा जो है स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन्स का हमें क्या कह सकती हो आप, गेन, अच्छा खासा गेन हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लेजर गेन भी कह सकते हैं कि बहुत सारे फोटोन्स का क्या हमें मिल रहा है, गेन मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह का जो गेन है, ये जो फोटोन्स हमारे जो निकल रहे हैं, ये क्या करते हैं बच्चे, ये इनका जो फेज होता है, दैट ये जो स्टिमुलेटेड एमिटेड फोटोन्स हैं, इन सबका जो फेज होता है, और इनकी बात करूँ मैं फ्रिक्वेंसी की बात करूँ तो ये फ्रीक्वेंसी, फेज या डायरेक्शन की बात करूँ तो ये सभी की सभी क्या होते हैं बच्चे, सेम होती हैं, ठीक है। इनकी जो स्टिमुलेटेड एमिटेड फोटोन्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी, फेज, डायरेक्शन जो है सबकी क्या होती है बच्चे, सेम होती है। अगर मान लो स्टिमुलेटेड एमिटेड फोटोन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में ही क्या करेंगे बच्चे, मूव करेंगे, ठीक है ना। जो बैक होंगे तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो मतलब इनका जो फेज है, फ्रिक्वेंसी है, सभी की क्या होती है बच्चे, सेम होती है। लेकिन जो हमारे स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन्स होते हैं, ये जो फोटोन्स निकलते हैं ये किसी भी डायरेक्शन में जो है ट्रैवल कर सकते हैं, तो किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली ये मूव कर सकते हैं। तो ये जो फोटोन्स होते हैं, इनका जो फेज है या डायरेक्शन की बात करूं तो ये रैंडम होता है, इनका फेज भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। हर फोटोन्स का जो है फेज क्या होता है बच्चे, डिफरेंट होता है। तो इनकी वजह से जो स्टिमुलेटेड एमिशन फोटोन्स भी निकलते हैं ना, कई बार उनका भी जो फेज है वो क्या होता है बच्चे, डिफरेंट होता है। चाहे आप N2 बहुत ज़्यादा बढ़ाओ N1 से, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे अब हर एक का क्या हो रहा है, फेज जो है डिफरेंट आ रहा है। ये स्टिमुलेटेड एमिटेड फोटोन्स थे, इनका फेज अलग है, इनकी फ्रिक्वेंसी अलग है, और इन्होंने जो स्टिमुलेशन एमिशन करवाया तो इनकी वजह से भी क्या हो रहा है, जो फेज है बिल्कुल क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो इसके लिए बच्चे हमें क्या करना होता है, हम ये रेजोनेंस कैविटी का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, जो जो हमारे फोटोन्स जाएँ जिस डायरेक्शन में आपकी एक्सेस है कैविटी, उसी डायरेक्शन वाले फोटोन्स को तो ये पास होने देते हैं, पर जिनकी एक्सेस जो है क्या है बच्चे, अपोजिट है, जो हमारे फोटो जो हमारे ये लगे हुए हैं रेजोनेंस कैविटी जो हमने लगा रखी है, इसकी एक्सिस के अपोजिट ले या अप डाउन अगर हम कंसीडर करें तो वो क्या करते हैं, उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। सिर्फ वही फोटोन्स जो हैं इस बीम में से पास होंगे, इस लेज़र आउटपुट में हमें मिलेंगे, जिनका क्या होगा, जिनका डायरेक्शन जो होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रेजोनेटर होगा, ठीक है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि वही फोटोन्स जो हैं वो पास होंगे जिनका एक्सिस किसके अलोंग होगा, रेजोनेंस कैविटी की एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो हमारे पास ऑप्टिकल रेजोनेटर है, ये जो हमारा ऑप्टिकल रेजोनेटर है, ये क्या करता है बच्चे, सिलेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। एक तरह की क्या करता है बच्चे, सिलेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ये उन्हीं फोटोन्स को चूज करता है जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ आप कह सकते हो रेजोनेटर, तो उन्हीं को ही वो पास होने देता है, बाकी सबको क्या कर देता है बच्चे, रिजेक्ट कर देता है। तो हमारा जो ऑप्टिकल रेजोनेटर है वो किसका काम करता है आपका, एक तरह से सेलेक्टिविटी का काम करता है, ठीक है। और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं रेडिएशन की, और बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं रेडिएशन की, वो भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखो बच्चे, हमारे पास जो एनर्जी होती है, जो हमारे स्टिमुलेटेड एमिटेड फोटोन्स हैं, इनकी जो एनर्जी होती है वो किसके पर डिपेंड करती है बच्चे, कि हमने कौन सी एक्टिव स्पीसीज हमने कंसिडर करी है, ठीक है। तो एक्टिव स्पीसीज में क्या उसके एप्रोफाइट लेवल्स या एनर्जी लेवल्स, इनके ऊपर जो है हमारी डिपेंड करती है। जो हमारा स्टिमुलेटेड एमिटेड फोटोन्स हैं वो स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन्स हैं, दैट विल डिपेंड अपॉन द किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, जो हमने एक्टिव स्पीसीज हमने कंसीडर करी है, और क्या होगा उनकी एप्रोफाइट कह सकते हैं एनर्जी लेवल्स के ऊपर भी वो क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। तो एक्चुअल जो लेजर एक्शन है वो क्या होता है बच्चे, ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा जो है लेजर ट्रांजिशन हो सकती हैं, ठीक है। तो एक से ज्यादा लेजर ट्रांजिशन हो सकती हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चे, मान लो लेजर ट्रांजिशन हो रही हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में हो रही है, पर हमें जो ट्रांजिशन चाहिए वो हमें अगर एक अनडिजायर्ड जो हम जो ट्रांजिशंस हो रही हैं, दैट इज़ अनडिजायर्ड ट्रांजिशंस, तो वो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, मिरर्स लगाते हैं। ये मिरर्स हम क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इनकी रिफ्लेक्टिविटी होती है मिरर्स की, दैट विल डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी, जो हमारी रेडिएशंस निकल रही हैं, यानी कि जो हमारे फोटोन्स निकल रहे हैं उनकी फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास क्या है बच्चे,
जो अनडिजायर्ड ट्रांजिशंस होती हैं, या आप कह सकते हो अनडिजायर्ड ट्रांजिशंस होती हैं, वो अपने आप क्या हो जाती है बच्चे, डैम्ड आउट हो जाती हैं, अपने आप ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारे फोटोन्स हैं, या फिर आप कह सकते हो जो हमारी वेव्स हैं, वो बहुत सारी जो है रिफ्लेक्शन सफ़र करती हैं इन दोनों मिरर्स के थ्रू, ठीक है। तो जो फ्रिक्वेंसी की हमें जो फोटोन चाहिए होते हैं, सिर्फ वही वो उसमें से बैक फोर्थ मूव करते हैं, बाकी सारे क्या हो जाते हैं बच्चे, रिजेक्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ से भी देख सकते हो बच्चे आप, तो थोड़ा और क्लैरिटी के लिए पिक्चर अगर मैं दिखाऊं आपको, तो इस तरह की पिक्चर होगी। तो यहाँ पे बच्चे जो हमें अगर हमें अनडिजायर्ड ट्रांजिशंस हो रही हैं, ठीक है ना, जैसे ये अनडिजायर्ड ट्रांजिशंस हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, रेजोनेंस कैविटी जो है उसके पास, हमारे पास दो मिरर्स हैं, ठीक है। उसके अंदर, उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास अनडिजायर्ड ट्रांजिशंस हुई हैं वो क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, डैम्ड आउट हो जाएंगी, थोड़े टाइम के बाद अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना, डैम्ड आउट। क्योंकि हमारी जो वेव है वो क्या कर रही है, यहाँ से जो मिरर है इससे मल्टीपल रिफ्लेक्शन वो सफ़र कर रही है, ठीक है ना। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन सफ़र करने के बाद जो फोटोन्स, जिसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होगी बच्चे, अलोंग द एक्सिस ऑफ रेजोनेंस, अलोंग द एक्सिस ऑफ रेजोनेंस कैविटी कह लो, ठीक है ना, तो वही क्या होंगी बच्चे, पास होंगी, बाकी सारी क्या हो जाएंगी बच्चे, रिजेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो हमें बाद में जो बीम मिलती है वो हमें कैसी मिलती है, एक एम्पलीफाइड बीम हमें जो है लेज़र आउटपुट में हमें मिलती है, ठीक है ना। तो ये जो बीम होती है दैट इज़ योर एम्पलीफाइड बीम। देखो बच्चे यहाँ से कितनी कम थी, और आफ्टर सफरिंग मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम दीज टू मिरर्स हमें जो बीम मिली है दैट इज़ योर रिफ्लेक्ट, आप कह सकते हो एम्पलीफाइड बीम, ठीक है ना। और आप ये भी कह सकते हो कि जो गेन है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज गेन ऑफ लेज़र बीम, ठीक है ना। तो गेन जो है वो कितना ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे लेज़र मीडियम हम चूज़ करते हैं जिनका लो गेन होता है, ठीक है। तो लो गेन का मतलब लो फोटोन्स वगैरह निकलना, तो लो गेन होने की वजह से जो है बच्चे उसे जो है लाइट को जो हमें उसे बहुत सारा डिस्टेंस जो है ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो बच्चे जितना कम गेन होगा, जितना जितना ज़्यादा फोटोन्स निकलेंगे उतना कम उसे क्या करना पड़ेगा बच्चे, इन मिरर्स के थ्रू जो है ट्रैवल करना पड़ेगा डिस्टेंस, ठीक है, उतना ज़्यादा हमें एम्पलीफाइड बीम मिलेगी। पर अगर किसी मीडियम का हमारा गेन ही कम है, तो गेन कम होने की वजह से बच्चे वो फोटॉन्स को मल्टीप्लाई होने के लिए बहुत सारा रिफ्लेक्शन जो है इन दोनों मिरर से जो है करना पड़ेगा, ठीक है ना, दोनों मिरर से बहुत सारा रिफ्लेक्शन सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि हमें जो डिज़ायर्ड एम्पलीफिकेशन जो हमें आउटपुट में चाहिए वो मिल सके, ठीक है। सो इस कंडीशन की वजह से जो है इस कंडीशन को अगर मुझे अचीव करना है, जो फोटॉन्स हैं दैट इज़ ट्रैवलिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कैविटी, जो एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हैं, कैविटी एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हैं, वो तो बार बार क्या होंगे बच्चे, बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे, ताकि हमें जो है आउटपुट में डिजायर्ड एम्पलीफिकेशन जो हमें चाहिए थी वो हमें मिल सके, ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ पे जो रियर मिरर है, जो फर्स्ट मिरर है, दैट इज़ योर 100% रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, जो भी लाइट आएगी वो सारी की सारी क्या होगी बच्चे, इस पर जो रीच करेगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और कुछ जो है हमारे पास क्या होती है, जो बाकी जो हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड मिरर है वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होती है, ठीक है ना, पार्शियली आप कह सकते हो वो ट्रांसमिट होती है। तो इसमें से मान लो 1% ही जो लेज़र बीम है, अब देखो बहुत सारा रिफ्लेक्शन सफ़र करने के बाद अगर 1% बीम जो अगर निकलेगी ना एम्पलीफाइड बीम, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है ना, ठीक है, कि सिर्फ 1% तो इसमें से निकल रही है और बाकी सारी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, इस प्रोसेस को हम बच्चे क्या कहते हैं, फीडबैक प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, आपका फीडबैक प्रोसेस ऑफ द कैविटी, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो हमारे पास जो आउटपुट में जो हमारे पास मिरर, जो रिफ्लेक्टिविटी जो है आउटपुट मिरर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो डिपेंड करती है कि हमारा लेज़र मीडियम का गेन कितना है। गेन मैंने आपको बता दिया कि लेज़र मीडियम के अंदर कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं और कितना लॉस हो रहा है कैविटी के अंदर। अब बच्चे जो हमारे फोटॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है ना, वो सफ़र करेंगे, कोलिजन सफ़र करते हैं, और क्या होता है बच्चे, स्कैटरिंग हो जाती है, उसकी वजह से भी एनर्जी लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो एनर्जी लॉस जो बीम सफ़र कर रही है हर पास में, यानी कि एक जगह से जब दूसरी जगह में जा रही है, तो हर बार क्या कर रही है बच्चे, एनर्जी लॉस वो सफ़र कर रही है, ठीक है। वो कैसे कंपनसेट होगा, लेज़र मीडियम गेन ऑफ द लेज़र मीडियम पर पास, ताकि क्या हो जाए, वो कैसे कंपनसेट होगा कि बहुत ज़्यादा क्या बनने शुरू हो जाए, गेन जो है लेज़र मीडियम का पर पास अगर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो जो लॉस हो रहा है स्कैटरिंग की वजह से या डाइफ्रैक्शन की वजह से, किस तरह के जिस तरह का भी लॉस हो रहा है, वो सारा क्या हो सके बच्चे, ओवरकम हो सके, ठीक है। तो ये लॉस बता रखा है कि ऑब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकता है, स्कैटरिंग ऑफ मीडियम की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ गया, अब देखो बच्चे जो हमारे पास आफ्टर सफरिंग वेरियस कह सकते हो ऑसिले एक आफ्टर सफरिंग वेरियस रिफ्लेक्शन फ्रॉम दीज टू मिरर्स, ठीक है ना, तो हमें जो है एक तरह की जो है लाइट वेव्स मिलती हैं। जो लाइट वेव्स जो होती हैं वो कैसी करती हैं, एक
ये हम इसको इस तरह से ही बता सकते हैं कि दिस इज द ऑसिलेशन ऑफ लाइट वेव्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन द मिरर्स ऑफ लेजर कैविटी। तो हम इसको, ये जो लेजर कैविटी है, इसके अंदर हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि एक तरह की क्या है, बहुत सारी ऑसिलेटिंग लाइट वेव्स हैं जो कि क्या कर रही हैं बच्चे, बैक फोर्थ मूव कर रही हैं, ठीक है, बिटवीन द टू मिरर्स, ठीक है ना। तो वन, इसको हम प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं बच्चे रेजोनेंस, ठीक है ना। और वो डिपेंड करता है कि जो हमारी, जो भी हमारी वेवलेंथ है ऑफ द रेडिएशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन एंड द लेंथ ऑफ लेजर कैविटी। अब देखो ये जो रेजोनेंस है, यानी कि जो रेजोनेंस जो बनी है, ठीक है ना, ये जो लेजर ऑसिलेशंस हैं, ठीक है, तो ये जो रेजोनेंस अगर मुझे लेके आनी है, तो दैट विल डिपेंड अपॉन जो भी हमारी एम्पलीट्यूड वेवलेंथ, अगर हम बात करें वेवलेंथ किसका, जो रेजोनेंस जो स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है उसकी जो रेडिएशंस निकल रही हैं उसकी वेवलेंथ क्या है, और जो लेंथ है कैविटी, इनके ऊपर डिपेंड करती है। अब देखो जो स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है वो कैसा बच्चे, अगर कोहरेंट हो रहा है, तो कोहरेंट होने का मतलब यहाँ पे कि ये है कि जो भी लाइट वेव्स हैं वो सारी की सारी क्या कर रही हैं बच्चे, रिस्पॉन्सिबल हैं या कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं कि जो फोटॉन्स निकले वो सारे के सारे कैसे हों बच्चे, सेम फेस में। यानी कि आपका, मैं अगर मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ तो बच्चे कैसे होगा, तो अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन के लिए बच्चे मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में क्या होगा। एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, जो फोटॉन्स निकलते हैं, ठीक है, तो स्टिमुलेटेड एमिशंस की वजह से जो स्टिमुलेटेड एमिटेड फोटॉन्स निकलते हैं, अगर ये क्या हो बच्चे, सेम फेस में हो, ठीक है ना, तो हमारी बीम जो होती है वो कैसी होती है बच्चे, कोहेरेंट बीम होती है, ठीक है। अगर इन सबका फेस कैसा हो बच्चे, सेम निकले, ठीक है ना, तो सेम फेस में होने की वजह से जो अगर हमारी स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, कोहेरेंट होगा, जितनी भी लाइट वेव्स, जितने भी हमारे पास फोटोन्स निकल रहे हैं वो सारे के सारे का सेम फेस होगा। अगर सबका सेम फेस होगा तो उनका एम्पलीट्यूड जो होगा ना बच्चे, उनका एम्पलीट्यूड देखो सभी का क्या हो रहा है बच्चे, सेम फेस है, ठीक है, सभी का क्या है बच्चे, सेम फेस है। तो इनका जो एम्पलीट्यूड होगा बच्चे, वो हम क्या कर सकते हैं, सबका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चे, एड अप हो जाएगा, ठीक है ना। तो सभी वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा बच्चे, एड अप हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो कैविटी है उसकी लेंथ अगर एल है, लेकिन वो क्या कर रहा है बच्चे, इसकी जो ट्वाइस अगर हम लेंथ ऑफ कैविटी कंसिडर करें, तो दैट शुड बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, ठीक है ना, यानी कि वेव लेंथ। तो हर वेव जो हमारे पास निकल रही है, अगर वो सेम फेस में से निकल रही है, ठीक है ना, जब मिरर्स में टकराई और मिरर से जब टकराई, तो सेम फेस में जो हमें क्या मिल रही है बच्चे, जो वेव हमें मिल रही है उन सबका फेस क्या है बच्चे, सेम है, तो उनके एम्पलीट्यूड जो होंगे वो कंस्ट्रक्टिवली क्या हो जाएंगे बच्चे, एडअप हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे, रेजोनेंस कहते हैं, कि रेजोनेंस हमें मिलगी, यानी कि जो हमारे पास लेजर में, जो आउटपुट में हमारे पास जो फोटोन्स आ रहे थे, उन सबका फेस जो है वो एक तरह की वेव की फॉर्म में है, और सभी का फेस जो है सेम है, तो सभी के जो एम्पलीट्यूड होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चे, एडअप हो जाएंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है बच्चे, सभी के एम्पलीट्यूड क्या हो जाते हैं, एडअप हो जाते हैं, और हमें जो है टोटल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे मिलता है बच्चे, अगर मान लो ये फेस, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकेंड वेव है, तो ये कंस्ट्रक्टिवली एडअप होंगे, तो रिजल्टेंट जो होगा वो इस तरह से होगा, इन सभी एम्पलीट्यूड का क्या हो जाएगा, एडअप, ठीक है ना, इन सभी एम्पलीट्यूड का एडअप। और ये क्या कहलाती है कंडीशन, ये आपकी कहलाती है बच्चे रेजोनेंस कैविटी कहलाती है, ठीक है। तो रेजोनेंस कैविटी के लिए, अब देखो कई बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कोहरेंट बीम ना निकले, कि क्रस्ट किसके ऊपर फॉल करे, ट्रफ के ऊपर फॉल करे वेव का, और वेव फॉर और आपका ट्रफ क्रस्ट के ऊपर फॉल करे, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है, तो हमारी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, तो हमारी रेजोनेंस, हमें क्या चाहिए लेजर बीम में, हमें तो एम्पलीफाइड बीम चाहिए, तो हमें क्या चाहिए बच्चे, रेजोनेंस कंडीशन चाहिए। तो वो रेजोनेंस कंडीशन क्या है बच्चे, दैट इज द ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेजोनेंस कैविटी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो 2L इज इक्वल टू एम लैम्डा, तो हमारा एल क्या है बच्चे, लेंथ ऑफ कैविटी है, यानी कि ट्वाइस द लेंथ ऑफ कैविटी दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ठीक है ना। तो ये हमारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी, तो हमें जो बीम मिलेगी दैट इज हाईली एम्पलीफाइड बीम, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है। अब बच्चे हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो यहाँ पे बच्चे एक चीज और दिखा रखी है, द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो एम की रिप्रेजेंट द लॉन्गिट्यूडनल मोड ऑफ लेजर, ठीक है ना। तो ये एम की वैल्यू जो हमारे पास आएंगी वो हमें क्या बताएंगी, लॉन्गिट्यूडनल मोड बताएंगी कि लेजर का। तो यहाँ पे अगर आप ये पढ़ना चाहो तो इंपॉर्टेंट है तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज नॉट नेसेसरी, ठीक है। बस यहाँ पे यही बता रखा है कि हमारा जो गेन है लेजर मीडियम का, वो क्या होता है किसी फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए जो है मच ब्रॉडर होता है एज कंपेरिजन टू रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेजोनेंट इन लेजर कैविटी। तो यहाँ पे ये कह रखा है जो लेजर मीडियम का अगर हम वेवलेंथ देखें,
लेज़र मीडियम का अगर मैं गेम कंसीडर करूँ किसी फ्रिक्वेंसी रेंज के, तो वो बहुत ज़्यादा होता है किससे, जो आपने रेजोनेंस कैविटी की वजह से जो हमें रेंज मिल रही है वेवलेंथ की, ठीक है ना, उससे बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो रेजोनेंस मोड है और ये गेन, इसके अंदर जो है इस रेजोनेंस मोड के अंदर कितनी सारी जो है वेवलेंथ इसके अंदर लाई कर सकती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि सिंस द लाइट वेव्स आर मच स्मॉलर देन द लेज़र कैविटी, तो ये जो लाइट वेव्स हमें मिल रही हैं बहुत छोटी होती हैं आपकी लेज़र कैविटी से, दो इट्स नॉट नेसेसरी। तो अभी हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो हमने डिस्कस कर लिया कि रेजोनेंस कंडीशन हमें कैसे मिलेगी अगर हमारी जो वेव्स हमें मिल रही हैं लेज़र आउटपुट में, अगर वो सारी की सारी वेव्स क्या कर रही हैं, या फिर जो भी स्टिमुलेटेड अमीजन हो रहा है उसकी वजह से जो फोटोन्स मिल रहा है उन सभी का फेस क्या हो, सेम हो। तो वेव्स जो हमें मिलेंगी उन सबका अगर फेस सेम है तो वो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिवली क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, कंस्ट्रक्टिवली क्या करेंगे, आपका एडअप होंगी, ठीक है ना। और हमें क्या आखिर मिलेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा, ठीक है। तो रेजोनेंस कंडीशन के लिए क्या थी हमारी रेजोनेंस कंडीशन, की ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ कैविटी दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ ऑफ लाइट यूज, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे अगर हम मान के चलते हैं, अगर हमने मान के चला जो रिफ्रैक्शन है ऑफ द मीडियम, यहाँ पे हमने इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मीडियम का हमने कंसिडर किया N1 हमने लेके चले, ठीक है। तो यूजुअली जो हमारे पास क्या होता है, हमने यहाँ पे जो N था ना बच्चे वो हमने 1 लेके चला था, पर यूजुअली ऐसा नहीं होता कि रेजोनेंस कंडीशन को हम इस तरह से ही रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज अ जर्नल कंडीशन, ठीक है। तो जर्नल कंडीशन क्या है, एम लैम्डा इज इक्वल टू 2N L, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने मीडियम यूज़ किया था ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 1 मान के चला था, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जर्नली 1 नहीं होता, क्योंकि हर मीडियम हमें क्या पता कौन सा मीडियम है, एक्टिव मीडियम यूज़ कर रहे हैं हम, गैस यूज़ कर रहे हैं, क्या एक्टिव मीडियम ले रहे हैं, कौन सी गैस यूज़ कर रहे हैं, तो एक्टिव मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज़ डिफरेंट ना। तो उस केस के लिए जो जर्नल केस है दैट इज़ एम लैम्डा इज इक्वल टू 2N L, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से मैं इसको फर्दर मैं और कैसे लिख सकती हूँ बच्चे, लैम्डा इज सी बाय मैं न्यू, ठीक है। तो यहाँ से 2 NL आ जाएगा, तो और आप इसको किस तरह से लिख सकते हो बच्चे, एम सी, यहाँ से बच्चे मैंने क्या किया, हम 2π से मल्टीप्लाई, दोनों साइड 2π से मल्टीप्लाई कर दी, डिवाइड कर दिया दोनों साइड से, तो 2π 2π इस तरह से हो गया, और क्या आ गया बच्चे, NL बाय में पाई आ गया। तो ये जो है हमारे पास 2π ν/ ये क्या है, 2π फ्रिक्वेंसी क्या होती है बच्चे, ओमेगा होती है, तो ओमेगा इज इक्वल टू मैंने क्या निकाल लिया बच्चे, MC π/NL, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू MC π/NL, तो यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो है बच्चे, अगर मुझे क्या चाहिए, मैं चाहती हूँ कि लेज़र मीडियम के अंदर जो है लेज़र कैविटी जो हमने कंसीडर की थी, लेज़र कैविटी क्या है बच्चे, डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स, ठीक है ना। तो लेज़र कैविटी के अंदर मैं चाहती हूँ कि ऑसिलेशन शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो ऑसिलेशन शुरू हो जाए, कि ऑसिलेशन शुरू हो जाए उसको प्रेडिक्ट करने के लिए जो हमारे पास जो क्वांटिटेटिव कंडीशन जो हमारे पास निकल के आती है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चे, थ्रेशोल्ड कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है कि ओमेगा इज नहीं सॉरी अभी तक हमने जो फाइंड आउट की दैट इज हमने फ्रीक्वेंसी फाउंड आउट की कि इस फ्रीक्वेंसी से जो है हमारी क्या होगी, लेज़र ऑसिलेट करेगी, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है बच्चे, हमें वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जिससे हमारी क्या हो जाए कि ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। तो वो हमें फाइंड आउट करने के लिए हम आगे करेंगे, ठीक है ना। हमें क्या निकालनी है, एक लेज़र कंडीशन हमने निकालनी है कि हमारी ऑसिलेशन शुरू हो जाए लेज़र कैविटी के अंदर, जिससे हम क्या कहेंगे बच्चे, थ्रेशोल्ड कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन हमने निकाल ली, अब हम कर निकालेंगे बच्चे थ्रेशोल्ड कंडीशन, यानी कि टू स्टार्ट ऑसिलेशन ऑफ लेज़र, ठीक है ना। टू स्टार्ट ऑसिलेशन इन द लेज़र कैविटी दैट इज़ योर थ्रेशोल्ड कंडीशन। अब बच्चे मान के चला मैंने यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमने मान के चला दिस इज़ योर एक्टिव मीडियम, ठीक है ना। मान लो हमने क्या किया, आई नॉट इंटेंसिटी जो है दैट इज़ हमने कंसिडर करके चली, या आई इंटेंसिटी जो हमने कंसिडर करके चली, मान लो आई इंटेंसिटी की जो लाइट थी वो किसके ऊपर फॉल कर रही है, मिरर कैविटी के ऊपर फॉल कर रही है। तो मान लो ये जो है आई कैविटी की मान के चलो कि आई इंटेंसिटी की जो है आपकी बीम जो है वो किसके ऊपर फॉल कर रही है, मिरर के ऊपर फॉल कर रही है। तो जब वो रिफ्लेक्ट बैक होगी तो बच्चे उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जब वो रिफ्लेक्ट बैक होगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, दैट इज़ IR, ठीक है। तो वो IR किसके इक्वल है, दैट इज़ R into I के। आर क्या है बच्चे, यहाँ पे आपका आर के आपका रिफ्लेक्टिविटी ऑफ मिरर है, ठीक है। अब हमने वन मिरर हमने कैसे मान के चली थी कि फर्स्ट मिरर जो है, अब हमने एक मिरर उसमें से कैसे मान ली थी, परफेक्टली पार्शियली रिफ्लेक्टिंग एंड पार्शियली ट्रांसमिटिंग, यानी कि कुछ तो रिफ्लेक्ट करेगी और बहुत ही कम इंटेंसिटी क्या करेगी बच्चे, ट्रांसमिट करेगी, यानी कि बहुत कम लाइट उसमें से पास करेगी, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो आर है दैट शुड बी, तो R जो हमारे पास जो होगा उस मिरर के केस में जो हमारा R होगा वो 100% रिफ्लेक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है ना। तो उस केस में R दैट शुड बी
क्या होगा, लेस देन वन होगा, ठीक है ना, हमेशा। तो जो बीम आएगी हमारे पास आफ्टर पासिंग थ्रू दिस मीडियम, वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी। अब देखो बच्चे, कोई भी इंटेंसिटी की हमने बीम इसके अंदर से जब हम पास करेंगे, तो जो इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू दिस मीडियम, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि जो बीम जब हम इसकी पास करेंगे मीडियम से, तो अटेन्यूएट हो जाएगी, यानी कि उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और मान लो उस जो लेंथ उसने जो मीडियम से जो जो मान लो जितनी लेंथ उसने ट्रेवल की है बीम ने, ठीक है, वो लेंथ जो है मीडियम की वो कितनी है बच्चे आपकी, जेड है, ठीक है ना। ये जो लेंथ है कि उसने जो आई इंटेंसिटी की, जब इसके अंदर हमने इंटेंसिटी की जो लेजर बीम इसके अंदर गई, तो उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज योर जेड, ठीक है ना। जितना बीम ने डिस्टेंस ट्रेवल किया मीडियम के अंदर, वो कितना किया, जेड। अब मैंने क्या बोला, अब इंटेंसिटी जो है बीम की आफ्टर पासिंग, आफ्टर इमर्जिंग थ्रू दिस मीडियम, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो रिड्यूस, मान लो इंटेंसिटी हमारे पास पहले क्या थी, आई जेड, आई ओमेगा थी, तो अब क्या हो जाएगी बच्चे, आई ओमेगा इनिशियल जो थी, आई ओमेगा जीरो, और किससे रिड्यूस हो गई है, आई ओमेगा जेड, क्या है बच्चे, आफ्टर इमर्जिंग आउट फ्रॉम दिस इंटेंसिटी, आफ्टर इमर्जिंग आउट फ्रॉम दिस मीडियम। तो क्या हो जाएगी, आई जेड इज इक्वल टू आई ओमेगा जीरो एक्सपोनेंशियली ऑफ माइनस अल्फा ओमेगा जेड। तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज शोइंग दैट जो इंटेंसिटी है दैट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, ठीक है ना। इंटेंसिटी जो है वो, अब ये थे इंसिडेंट बीम की जो इंटेंसिटी थी, आई ओमेगा जीरो थी, ठीक है ना। आफ्टर पासिंग थ्रू दिस मीडियम इंटेंसिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, कितने फैक्टर से रिड्यूस हुई, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा ओमेगा जेड, ठीक है। अल्फा ओमेगा क्या है, दैट इज ऑब्जॉर्प्शन कॉफिशियंट, ठीक है। अब देखो हमने जो है लेजर के का अगर हम बात कर रहे हैं, इन्वर्टेड लेजर मीडियम क्या होगा, अब बच्चे आपको पता है लेजर इन्वर्जन कैसे मिलता है, जब हमने अपर रीजन को हमने पॉपुलेट किया होता है लोअर रीजन से, तो एन टू इज ग्रेटर देन एन वन, तो अल्फा ओमेगा हमारा क्या रहेगा, हमेशा ऑब्जॉर्प्शन कॉफिशियंट नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो इंसिडेंट इंटेंसिटी को जो हमें मिलेगी, अगर एम्पलीफाइड अगर इंटेंसिटी हमें चाहिए, कि इंटेंसिटी एम्पलीफाइड होनी चाहिए, इंसिडेंट इंटेंसिटी इज एम्पलीफाइड, अगर इंसिडेंट इंटेंसिटी को एम्पलीफाइड करेंगे, तो जो अल्फा ओमेगा है उसको हम क्या लेना पड़ेगा बच्चे, हमें उस मोड में कंसीडर करना पड़ेगा, पॉजिटिव ही हम कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो अल्फा ओमेगा को हम मॉडुलस में कंसीडर करके चलेंगे। अब देखो बच्चे, आर वन आर टू क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्सिविटी है किसकी, रिफ्लेक्टिविटी है फर्स्ट मिरर की, और ये रिफ्लेक्टिविटी है बच्चे सेकेंड मिरर की, ठीक है। अब जो लाइट बीम आई उसने एक राउंड ट्रिप उसने कंसीडर करा, ठीक है। तो एक राउंड ट्रिप कैसे मिला, आफ्टर रिफ्लेक्शन वंस एट ईच मिरर। एंड देखो बच्चे, जो लेजर बीम थी उसने क्या किया बच्चे, एक बार यहाँ से टकराई वापस आई, फिर एक बार यहाँ से टकराई वापस आई। तो एक राउंड ट्रिप कैसे होगा, जैसे यहाँ पे मान लो शुरू हुई लेजर, तो यहाँ पे गई, ठीक है ना, फोटोन्स गए और उसने यहाँ से टकराए और वापस आए, फिर यहाँ टकराए फिर वापस आए। तो इस तरह से एक राउंड ट्रिप करने के लिए उसने क्या करना पड़ेगा, हर मिरर से कम एक बार तो क्या करना पड़ेगा बच्चे, टकराना पड़ेगा। और उसकी वजह से जो रिफ्लेक्टिविटी है, उसकी वजह से आप ये कह सकते हो जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी बच्चे, लाइट की डिक्रीज हो जाएगी। कितने फैक्टर से डिक्रीज होगी बच्चे, आर वन आर टू फैक्टर से डिक्रीज होगी। तो ये जो आर वन आर टू फैक्टर से डिक्रीज हुई है इंटेंसिटी, और वो भी किसके इक्वल है, आपको पता है जो इंटेंसिटी, जो एनर्जी इंटेंसिटी लॉस है, दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा ओमेगा जेड, यही हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ क्या आ जाएगा बच्चे, ये भी इंटेंसिटी जो डिक्रीज होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी, दैट इज माइनस टू गामा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ टू गामा, ठीक है। तो किस, ये भी एक्सपोनेंशियली जो है हमारी इंटेंसिटी क्या होगी बच्चे, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। किस फैक्टर से रिड्यूस होगी, आर वन आर टू फैक्टर से, और वो क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टू गामा। अब बच्चे यहाँ पे जो गामा है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है ना। और ये आप ये भी कह सकते हो कि इंटेंसिटी कितनी कम हो रही है पर पास, ठीक है ना। तो एक बार के लिए वन गामा और दो बार पर पास, तो टू टाइम, तो यहाँ पे टू गामा यहाँ पे। तो यहाँ से बच्चे जो हमारे पास गामा है उसको आप क्या कह सकते हो बच्चे, अगर मैं एक्सपोनेंशियल ले लूँ, लॉगरिथम बोथ साइड कंसिडर करूँ, तो गामा इज वन बाय माइनस वन बाय माई टू एल एन आर वन आर टू, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे जो रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन लॉसेस आर द लॉसेस प्रेजेंट इन द कैविटी। अब देखो बच्चे, ये जो आर वन आर टू हमने क्या बोला कि जो मिरर से रिफ्लेक्सिविटी थी, ठीक है ना, तो उसने सफ़र किया कोलिजन, तो उनकी जो है इंटेंसिटी डिक्रीज हुई। तो जो रिफ्लेक्शन लॉसेस होगा ना, वो रिफ्लेक्शन लॉसेस जो हुआ, ठीक है ना, वो कहाँ पे होता है, कैविटी के अंदर ही होता है। तो मान लो इंटेंसिटी जो है हर राउंड की चेंज हुई फ्रॉम आई टू आई एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस टर्म। अब बच्चे ये कैसे निकला होगा बच्चे, आपको ये पता होना चाहिए। तो इंटेंसिटी चेंजेस जो है हर राउंड ट्रिप के लिए क्या होगा बच्चे, ये तो थी एम्पलीफाइड इंटेंसिटी। इस एम्पलीफाइड इंटेंसिटी में से मैं अगर रिफ्लेक्शन लॉस में माइनस कर दूं, इस एम्पलीफाइड द्वारा से सुनिए, इस एम्पलीफाइड इंटेंसिटी में से अगर मैं रिफ्लेक्शन लॉस माइनस कर दूं, तो हमारे पास एक राउंड ट्रिप में जितना इंटेंसिटी में चेंज आना है वो निकल जाएगा। यानी कि आई ओमेगा जेड इज इक्वल टू आई ओमेगा जीरो एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा जेड को कैसे रिड्यूस हो जाएगा बच्चे, कैसे रिड्यूस हो जाएगा बच्चे, इसमें से मैंने कौन सा लॉस माइनस करूंगी, माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टू गामा, ठीक है ना। तो जब ये लॉस माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, क्या
किस हद से रिड्यूस हो जाएगा बच्चे, दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ, अब देखो बच्चे क्या हो जाएगा, टू अल्फा ओमेगा जेड, टू ऑफ बच्चे पहले तो ये जो जेड है आपका ठीक है ना, दैट शुड बी रिप्लेस बाय टू एल, क्योंकि हमें पता है कि जो रेजोनेंस कैविटी, जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करना है दैट शुड बी टू एल, ठीक है ना। तो इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस कैविटी की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, जेड को आप रिप्लेस कर दोगे टू एल से, तो यहाँ से बच्चे जब हम करेंगे जो इंटेंसिटी हर राउंड की किस हद से डिक्रीज होगी बच्चे, आई से आई एक्सपोनेंशियल ऑफ टू, 12 से रिप्लेस किया है ना मैंने बच्चे इसको, तो थोड़े और अच्छे तरीके से देख लो बच्चे, यहाँ पे जो आई ओमेगा है दैट इज आई ओमेगा जीरो एक्सपोनेंशियल, सिर्फ एक्सपोनेंशियल पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे था टू अल्फा था हमारे पास ठीक है, सॉरी माइनस में अल्फा जेड था हमारे पास, तो मैंने जेड को किससे रिप्लेस कर दिया बच्चे, टू एल से, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस में टू अल्फा जेड, टू अल्फा एल। ऐसे ही बच्चे जो एक्सपोनेंशियल जो रेडिएशन लॉस है, इसमें से अगर मैं रेडिएशन लॉस माइनस कर दूंगी, तो रेडिएशन लॉस कौन सा है बच्चे आपका, ये जो हमारा निकला था बच्चे माइनस टू गामा, ठीक है, तो माइनस ऑफ टू गामा, तो इन दोनों को अगर मैं लॉस माइनस करूँ, यानी कि ये जो एम्पलीफाइड बीम में से ये लॉस माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास कितना इंटेंसिटी में चेंज आया एक राउंड ट्रिप का निकल जाएगा, तो वो कितना निकल जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टू कॉमन ले लो बच्चे, तो क्या आ जाएगा अल्फा एल, ठीक है, अल्फा एल, और यहाँ पे बच्चे मैंने अल्फा को क्या लिया हुआ बच्चे, पॉजिटिव कंसिडर किया हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू अल्फा एल, ठीक है, तो अल्फा को अल्फा ओमेगा जेड था ना, तो मैंने यहाँ पे इसको पॉजिटिव मोड से कंसिडर किया हुआ, तो टू अल्फा एल माइनस ऑफ टू गामा, ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, टू कॉमन ले लिया अल्फा ओमेगा एल माइनस वे गामा, ठीक है ना, तो मोड में हमने कंसीडर किया, तो ये किस में कंसीडर किया बच्चे, मोड में, तो यहाँ से बच्चे हमारे पास एल क्या है, लेंथ ऑफ द कैविटी। अब बच्चे अब हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए सस्टेन ऑसिलेशन हो, ठीक है ना, जो लेजर ऑसिलेशन हो वो सस्टेन हो, ठीक है ना, सस्टेन ऑसिलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो फैक्टर है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये जो फैक्टर है हमारा किससे बड़ा होना चाहिए, वन से बड़ा होना चाहिए, तो अल्फा ओमेगा एल दैट शुड बी ग्रेटर देन गामा, ठीक है ना, तो ये वाली जो हमारे पास कंडीशन निकल के आई दैट मीन्स अल्फा ओमेगा एल किससे बड़ा होना चाहिए, गामा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब इक्वालिटी शाइंस अगर हम लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी बच्चे, थ्रेशोल्ड कंडीशन मिल जाएगी, तो थ्रेशोल्ड कंडीशन क्या है बच्चे, टू स्टार्ट लेजर ऑसिलेशन दैट इज अल्फा ओमेगा एल, अल्फा ओमेगा इज इक्वल टू एल, ठीक है ना, तो ये अल्फा ओमेगा एल, सॉरी अल्फा ओमेगा एल दैट शुड बी इक्वल टू गामा, ठीक है ना, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास 5.27 से, और यहाँ पे बच्चे आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास हमने एक काइनमेटिक्स ऑफ ऑप्टिकल ट्रांजिशन हमने किया था, तो उसके अंदर हमारे पास ये कंडीशन निकल के आई थी, तो वो सेम कंडीशन हमने लिखी हुई है, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, दिस इज़ योर लैंडबर्ग फॉर्मूला, ठीक है ना, तो हमने ये किया था, तो यहाँ पे अल्फा ओमेगा जो है दिस इज योर लैंडबर्ग फार्मूला, ठीक है, तो ये जो लैंडबर्ग फार्मूला है उसके बाद बच्चे हमने क्या पढ़ना है, दैट इज़ लेज़र जो है वो अगर एक इसी फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर ऑपरेट तभी करेगी जब वो इस कंडीशन के अंदर जो है इस कंडीशन को क्या करेगी बच्चे, सेटिस्फाई करेगी। तो अगर हमें थ्रेशोल्ड लेवल की अगर मैं बात करूँ, थ्रेशोल्ड पे क्या होगा, जो हमारे जो लेवल्स हैं हम मान के चलते हैं, जो हमारे लेवल्स हम कंसिडर कर रहे हैं एनर्जी लेवल्स, दैट शुड नॉन डिजनरेट, यानी कि जी वन इज इक्वल टू जी वन, जी टू इज इक्वल टू वन। नॉन डिजनरेट का मतलब ये होता है बच्चे, जो हम एनर्जी लेवल्स होते हैं वो भी कई बार क्या होता है बच्चे, ऐसा होता है कि वो भी फर्दर जो है फर्दर स्प्लिट होते हैं डिफरेंट लेवल्स के अंदर, ठीक है ना, तो हम कहते हैं इनकी डीजनरेसी 3 है, इनकी डीजनरेसी 2 है, पर यहाँ पे हम मान के चलते हैं जो हमारा लेवल है E1 E2 लेवल है दैट इज नॉन डीजनरेट, ये फर्दर स्प्लिट नहीं है एनर्जी लेवल्स, ठीक है ना, तो हमने मान के चला G1 G2 क्या है, नॉन डीजनरेट है, तो नॉन डीजनरेट के लिए बच्चे हमारे पास जो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड पे क्या होगा बच्चे हमारे पास, दिस N2 माइनस N1 अगर मैं कंसिडर करूँ दैट इज इक्वल टू गामा ओमेगा स्क्वायर एल ए 2 1 एन पाई स्क्वायर सी स्क्वायर जी ओमेगा, तो यहाँ से बच्चे जो हमारा N2 माइनस N1 है इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, क्रिटिकल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है ना, तो ये भी क्या है एक तरह से क्रिटिकल इन्वर्जन है, इसमें ये भी बता रहा है कि जो N2 है वो N1 से क्या है बड़ा है, ठीक है ना, तो इन्वर्जन कंडीशन हमें मिल जाती है कि N2 जो है कि जो नंबर ऑफ एटम्स जो है इन द अपर लेवल दैट शुड बी ग्रेटर देन लोअर लेवल, तो ये हमने कैलकुलेट की हुई है, तो N2 माइनस N1 क्या है हमारी क्रिटिकल इन्वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या है कि अब इसकी वैल्यू जो है जी ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब हमारा ओमेगा किसके इक्वल होगा बच्चे, जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी होती है अगर उसके इक्वल हो जाएगा हमारा ओमेगा, तो हमारी जो है जी ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से गामा एल को हम इस तरह से सेटिस्फाई करते हैं कि लेजर कंडीशन पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। उसके बाद हमने क्या बता रहे थे हम आपको कि बच्चे जो फोटोन्स हैं वो क्या करेंगे बच्चे, बैक एंड फोर्थ जो है कैविटी में मूव करेंगे, मान लो उसमें जो है इनिशियली इतने नंबर ऑफ फोटोन्स थे, ठीक है, आफ्टर एम राउंड्स के बाद मान लो क्या हुआ,
नंबर ऑफ फोटॉन्स जो पहले इनिशियल थे दैट इज एन पी, उसके बाद एम राउंड्स के बाद जो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो गए बच्चे, दैट इज एन पी, ठीक है ना। पहले एन पी नॉट थे, आफ्टर एम राउंड्स ट्रिप के बाद एन पी हो गए, ठीक है ना। उनके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज की बात करूँ दैट इज एन पी नॉट एच कट ओमेगा और एन पी एच कट ओमेगा। तो यहाँ से बच्चे जो 5.7 जो हमारे पास है, यानी कि आप ये भी कह सकते हो जो एन पी एच कट ओमेगा है वो क्या हो जाएगा बच्चे, एन पी नॉट एच कट ओमेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ -2m ओमेगा, 2m गामा। तो बच्चे आपको पता है जो एन पी नॉट है, जो एन पी एच कट ओमेगा है वो क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर एम राउंड्स के बाद जो है एन पी एच कट ओमेगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और कितना डिक्रीज होगा बच्चे, एक्सपोनेंशियल फैक्टर ही डिक्रीज होगा, तो एक्सपोनेंशियली ही वो डिक्रीज होगा, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स जो होंगे वो डिक्रीज होंगे, तो एक्सपोनेंशियली ही डिक्रीज होंगे, तो वो किसके इक्वल होंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ -2m गामा, ठीक है। तो इनिशियल में भी आपको मैंने यही लिया था जब हमने ये किया था, तो यहाँ पे भी हमने इंटेंसिटी डिक्रीज की थी, एक्सपोनेंशियल ऑफ -α z ओमेगा z था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो एम राउंड्स के बाद जो है हमारे पास जो एन पी एच कट ओमेगा है वो डिक्रीज हुआ है, उसकी एनर्जी वो कितनी डिक्रीज हुई है बच्चे, एन पी नॉट एच कट ओमेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ -2m गामा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे एन एच कट ओमेगा से एच कट ओमेगा कैंसिल, तो एन पी इज इक्वल टू एन पी नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ -2m गामा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा कि मान लो कि जितना फोटोन ने एक राउंड ट्रिप में जो हमारा टाइम लिया दैट इज T21, ठीक है, और आफ्टर टेकिंग एम राउंड्स जो उसका जो टाइम हुआ है वो कितना हो गया, m(2TL), ठीक है ना। मतलब पहले जो टाइम था एक राउंड ट्रिप का जो टाइम था दैट इज T12, ठीक है ना। आफ्टर टेकिंग एम राउंड्स तो टाइम कितना हो गया बच्चे, दैट इज स्मॉल t, दैट इज इक्वल टू m(2TL). अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि एन पी जो है दैट इज एन पी नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ -2m, यहाँ पे जो हमारे पास क्या होगा, गामा होगा, उसको हम कैसे रिप्लेस कर देंगे बच्चे, सॉरी जो हमारे पास m होगा उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, T/2TL से, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही किया हुआ, m को किससे रिप्लेस कर दिया, T/2TL से। अब जब T/2TL से हमने रिप्लेस कर दिया, देखो एवरेज लाइफ टाइम अगर मुझे कैलकुलेट करना है फोटोन का, ठीक है, सो टाइम ड्यूरिंग विच नंबर ऑफ फोटोन। अब देखो बच्चे एवरेज लाइफ टाइम जो होता है फोटोन का वो क्या होता है बच्चे, वो टाइम जब फोटोन जो है नंबर ऑफ फोटोन जो है वो किस फैक्टर से रिड्यूस हो जाए, या जो उनका टाइम है नंबर ऑफ फोटोन का, ठीक है, टाइम ड्यूरिंग विच इनिशियल नंबर ऑफ फोटोन इज रिड्यूस बाय 1/e, यानी कि वो टाइम जब हमारे जो नंबर ऑफ फोटोन्स थे वो किससे रिड्यूस हो जाए बच्चे, 1/e टाइम, e से रिड्यूस हो जाए, वो आपका क्या होता है बच्चे, एवरेज लाइफ टाइम होता है फोटोन का, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन थी, जो इक्वेशन कौन सी थी बच्चे, एन पी जो अभी हमने निकाली, एन पी इज इक्वल टू एन पी नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ -2γ T/T21, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आप क्या कर दोगे, जो वो एवरेज लाइफ टाइम हमें निकालना है ना, जिसमें हमारा नंबर ऑफ फोटोन्स किससे रिड्यूस हो जाए, 1/e टाइम्स ऑफ योर इनिशियल फोटोन्स, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे इस कंडीशन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये वाली जो टर्म है दैट शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी बच्चे, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो इसको अगर हम 1 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से बच्चे टी हमारा किसके इक्वल होगा, टी सी के इक्वल होगा। तो टी सी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो टी सी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, टी मान लो अगर टी सी के इक्वल हमने पुट कर दिया तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, T12/2γ, टी सी इज इक्वल टू T12/2γ, ठीक है। और T12 क्या है बच्चे, दैट इज जो टाइम है नंबर ऑफ जो फोटोन्स ने जितना टाइम लिया है बैक एंड फोर्थ मूव करने के लिए, तो वो क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय में वेलोसिटी, डिस्टेंस हमारी कितनी होती है बच्चे, बैक एंड फोर्थ करेंगे तो 12, यानी कि रेजोनेंस कैविटी की जो लेंथ है दैट इज 12 डिवाइडेड बाय सी, ठीक है ना, जो टाइम लगा है, ठीक है, दैट इज स्पीड। तो 2γ हमारे पास आ जाएगा, तो टी सी हमारे पास क्या निकल के आ गया बच्चे, दैट इज एवरेज लाइफ टाइम जो फोटोन का निकल के आया दैट इज L/c γ, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे अब क्रिटिकल इन्वर्जन के लिए हमें क्या चाहिए, दैट N2 शुड बी ग्रेटर देन N1, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स जो है इनिशियली दैट नंबर ऑफ एटम्स इनिशियली दैट शुड बी ग्रेटर देन योर लोअर वंस, ठीक है ना। तो N2 - N1 जो क्रिटिकल इन्वर्जन वाली हमारे पास जो वैल्यू थी दैट इज ओमेगा स्क्वायर टी सी, हमारे पास टी सी सी क्यूब A21 एंड पाई स्क्वायर जी ओमेगा, ठीक है, ये आ जाएगी। क्योंकि देखो बच्चे हमने क्या किया, जो हमारे पास इनिशियल थी हमने क्या किया, इसके अंदर बच्चे हमने सब्सटीट्यूशन करी है। सब्सटीट्यूशन कौन सी बच्चे, जो टी सी था हमने L/c γ हमने लिया है, तो हमने यहाँ पे बच्चे L है उसको रिप्लेस कर दिया था टी सी बाय में सी गामा से, तो हमारे पास ये टर्म निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर टी स्पॉन्टेनियस सी स्क्वायर एन पाई स्क्वायर जी ओमेगा इंटू टी सी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो ये निकल के आया है, जिसको हम कहते हैं सेचुलोव टॉन्स कंडीशन फॉर लेजर ऑसिलेशन, ठीक है ना।
सो टोन्स कंडीशन ऑफ फॉर लेजर ऑसिलेशन इसको कहते हैं बच्चे. ए टू वन को हमने रिप्लेस कर दिया टी इनवर्स स्पॉन्टेनियस से. तो बच्चे ये जो क्रिटिकल इन्वर्जन है वो किसके पर डिपेंड करती है, दो लाइफ टाइम के पर डिपेंड करती है. एक लाइफ टाइम कौन सा बच्चे, जो स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम है, ठीक है ना, जो अपर लेवल के अंदर जो एटम्स हैं उनका जो स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम है, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम ऑफ अपर लेजर लेवल, ठीक है ना. तो कितने टाइम तक वो जो है वो एटम जो है वो अपर लेवल में रहेंगे, ठीक है ना, अपने आप वो डिके नहीं होंगे. और किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चे, एवरेज डिके टाइम ऑफ कैविटी, ठीक है ना, जो कितना डिके टाइम है कैविटी का उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है. तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच. अगर आप देखना चाहो तो एक पॉइंट और देख सकते हो कि इन केस ऑफ रूबी लेजर के लिए जो थ्रेशोल्ड इन्वर्जन डेंसिटी हमने निकाल रखी है, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेटिव वर्क कर रखे हैं, तो इनडायरेक्टली इन्होंने क्या किया हो बच्चे, एन टू माइनस एन वन कैलकुलेट किया, न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हो अपने आप. तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच.